हाय फ्रेंड्स मैं आशु भरद्वाज़ आपका अपना वीज़ा एडवाइज़र सभी को राम सलाम सत श्रीकाल और होप्स हो कि सभी लोग अपने घरों पे सही हैं खुश हैं सलामत है और जैसे कहते हैं कि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती है और जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक अपडेट होती रहे तो ज़्यादा बेटर है और आज की जो मेरी इन्फॉर्मेशन डालने का रीज़न है वो ये है कि जैसे मुझे खबर आ रही है कि सर हमने वीज़ा फ़ाइल अप्लाई किया था चाहे वो स्टडी है विजिटर है, है या चाहे वो पी को लेके के आए या चाहे वो सिटीजनशिप को लेके आए ड्यू टू कैनेडा कैनेडा की बात कर रहा हूँ मैं तो बायोमेट्रिक के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि अब हमारी बायोमेट्रिक का क्या बनेगा कैसे होगी हमारे लेटर आए थे जो कि तीस दिन के लिए वैलिड होता है अब वो इनवैलिड हो जाएगा या उसका पीरियड ख़त्म हो जाएगा एक्सपायर हो जाएगा तो कैसे होगा मतलब उसके ऊपर सोचा कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन दे दूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है हर बीमारी का इलाज है जैसे आज हम बात कर रहे थे बायोमेट्रिक लेटर के लिए कैनेडा वीज़ा बायोमेट्रिक जो है चाहे वो रेफ्यूजीज़ हैं सिटीजनशिप है एंड पासपोर्ट सर्विस है या स्टूडेंट हैं कोई भी है मतलब लॉकडाउन की वजह से जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है घबराने की जरूरत नहीं है वो हो जाएगी आपको करना क्या है देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है करने के लिए गूगल खोलिए गूगल खोल के ऊपर सर्च बार में यानी ब्राउज़र में डब्ल्यू 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 डॉट आशू भारद्वाज डॉट कॉम डालिए एंटर कीजिए पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आपको करना क्या पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए ये हमारी वेबसाइट है जो आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे रही है ठीक है यहाँ पे आप ये लाइव सर्च की तरफ देखिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो होती रहती है पंद्रह तारीख को भी अपडेट पड़ी है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है हाउ टू कोरोना वायरस डिस्कस कोविड नाइन्टीन इज अवैचिंग इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजन एंड पासपोर्ट सर्विस बायोमेट्रिक ठीक है यहाँ पे क्लिक कीजिए क्लिक करने पे आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बायोमेट्रिक जो ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक एक्सटेंशन है जो पहले तीस दिन का लेटर आता था, था वो ऑलरेडी नब्बे दिन की हो चुकी है तो ये यह आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिल जाएगी ये इसलिए हिंदी और इंग्लिश का यूज़ किया जा रहा है ताकि जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश पढ़ सके हिंदी जानते हैं तो हिंदी पढ़ सके चलो थोड़ा छोटा मोटा मैं समझा देता हूँ कि जो अंसटेंक्शन लेटर हुआ है एक्सटेंड हुआ है ये ठीक है ना एक्सटेंशन जो हुआ है लेटर जो एक महीने का होता था वो अब तीन महीने के लिए वैलिड कर दिया गया है ठीक है वो ऑटोमेटिकली तीन महीने का वैलिड हो चुका है और इसमें सबसे बड़ी बात है अगर ये आगे भी लॉकडाउन जो है एक्सटेंड होता है कैनेडा का आगे इनके वी सेंटर के या इनके मतलब ऑफिस नहीं ओपन होते हैं पेंडेमिक के चलते तो ये आगे भी एक्सटेंड हो जाएगा और आपकी कोई भी फाइल कोई भी जो आपने वीज़ा अप्लाई किया है वो किसी भी प्रकार से रद्द नहीं किया जाएगा जैसे आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पे मैंने वकायदा वो दिया दी भी हुई है लाइन यहाँ पे कहीं पे मैंने लाइन दी है कि किसी भी तरह से आपकी फ़ाइल जो वो रद्द नहीं की जाएगी ठीक है तो कनाडा की जो बायोमेट्रिक है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इस वेबसाइट के ऊपर अपडेट की है अगर फिर भी मतलब आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी तरह का आपको लगता है कि इसमें जो चीज़ नहीं दी गई है वो मैं इंफॉर्मेशन लूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इस वेबसाइट के ऊपर आके जो आपरेट कर रहे हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी लिखा हुआ है साइट पे कॉन्टैक्ट मी में जाके आप कॉन्टैक्ट मी में अपनी इंक्वायरी जो है पोस्ट कर सकते हैं नाम से यहाँ पे जितनी भी इंक्वायरीज़ आ रही हैं सबके रिप्लाई टाइम टू टाइम दे रहा हूँ और हो रहे हैं तो आप यहाँ पे भी अपनी इंक्वायरी पोस्ट कर सकते हैं अगर मैं व्हाट्सअप जैसे काफ़ी बार बोल चुका हूँ व्हाट्सअप बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ और टेलीफोनिक कॉल तो टाइम टू टाइम हो भी रही है और बात हो भी रही है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी बायोमेट्रिक इस दौरान आप अपना बायोमेट्रिक नहीं दे सकते हैं जैसे पेंडेमिक के चलते नहीं दे पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है काफ़ी लोग सोच रहे हैं सर हमारा वीज़ा नहीं निकला उसका क्या बनेगा क्या होगा तो कोई भी फाइल आवेदन को अस्वीकार या बंद नहीं किया जाएगा ये कनाडा की तरफ से ठीक है ये कनाडा की तरफ से अपडेट की गई न्यूज़ है और इसके लिए भी अगर आपको मतलब जैसे कि चाहिए होगा कि इसका कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन अपडेट है तो आप सी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और इसमें एक चीज़ और है सबसे नीचे आप जाओगे ये जो हाईलाइट है ये लिंक है ठीक है कैनेडा सर्विस ऑफिस कहाँ कहाँ है और सबसे बड़ी बात सब जब से जब सबसे नीचे आओगे तो ये कैनेडा सी ए स्लैश बायोमेट्रिक्स लिखा है इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा ये आपको वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पे इनके सेंटर ओपन है या हुए हैं ये सारा कहाँ कहाँ बायोमेट्रिक होती है सारी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जैसे टेम्प्रेरी क्लोज टेम्प्रेरी क्लोज़ ये दिया हुआ है मतलब ठीक है तो ये सेंटर जैसे टेंप्रेरी क्लोज़ किए है, गए हैं पेंडेमिक के चलते तो फिर बात वही है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ आपने धैर्य रखना है ठीक है धैर्य रख के आपने इंतज़ार करना है जिन लोगों की बायोमेट्रिक नहीं हुई है उनके ऑलरेडी लेटर जो है एक्सटेंड हो चुके हैं नब्बे दिनों के लिए अगर नब्बे दिनों के बाद भी ये लॉकडाउन नहीं ओपन होता है नहीं खुलता है तो आगे भी लेटर एक्सटेंड हो गए और जो लोग बोल रहे हैं कि सर बायोमेट्रिक तो हो चुकी है लेकिन फाइल का रिजल्ट नहीं आया तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है फाइल ने किसी भी तरह से बंद नहीं की जाएगी अस्वीकार नहीं किया जाएगा पैंडमिक के चलते उनके बाद उनका रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा जब इनके ऑफिस ओपन हो जाएंगे होप्सो की इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके लिए और हमारे नए चैनल चीफ ट्रेवलर के नाम से जुड़े रहिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी दिया है तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि पैंडमिक आ गई है दुनिया मर रही है ऐसे वैसे जो लोग ऐसा लिख रहे हैं तो उनको एक बात सोचनी चाहिए कि ये तो दुनियादारी है, चलती रहेगी बहुत सी पेंडेमिक आई और बहुत सी हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसको दूर किया उसकी वैक्सीन ली है वैक्सीन निकाली है टाइम टू टाइम इसकी भी निकलेगी लेकिन सपने कभी ख़त्म नहीं होते हैं आज भी मुझे कॉल आती है काफ़ी कॉल्स आ रही हैं और मैं उनके जवाब दे रहा हूँ तो स्टे होम स्टे लाइफ अपने घरों में रहो अभी तक के लिए ठीक है इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहो लेकिन घबराओ नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा लेकिन काफ़ी लोगों की इंक्वायरी थी कि सर बायोमेट्रिक नहीं हुई है फाइल का क्या बनेगा तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो लोग फोन कर रहे थे थैंक यू सो मच एवरीवन बाय बाय टेक